बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अफजाल अरशद आपके साथ कौन फूड्स पे। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉप्स, लैम चॉप्स कह लें आप, चांपें कह लें, या कोई भी नाम हो इस डिश का वो कह सकते हैं इसको। असल में ये है बकरे की चांपें, और इनको हम दो तरीके से पकाएंगे। एक तो इसको पेशावर की बहुत फेमस डिश है, जिस तरह नमकीन टिक्का बनाया जाता है उस स्टाइल में हम बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल और सबसे जायकादार। मैं ये समझता हूँ जो दूसरी हम डिश बनाएंगे उससे ज़्यादा बेहतर ये है। अगर आप चांपें जो है ट्राई करना चाह रहे हैं बारबेक्यू के साथ, तो आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो करके देखें एक दफ़ा। दूसरी जो है हम वो बनाएंगे थोड़ा सा स्पाइसी, जिस तरह बारबेक्यू होता है, जिस तरह आप टिक्का बनाते हैं मटन का, लेकिन प्रॉपर इन्ग्रीडियंट्स के साथ। सिर्फ सॉल्ट नहीं, उसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें जाएंगी, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इधर मेरे पास बकरे की चांपें हैं, और ये तकरीबन जो है वज़न के अंदर 2 किलो हैं, और ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की चांप है ये। और एक चीज़ आपने करनी है कि जहाँ यहाँ पे इसकी जो फ़ैट होती है इधर, उसको आपने उतारना नहीं है। ये फ़ैट जब पकेगी तो इसको सॉफ्टनेस देगी इस चांप को। अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि इस फ़ैट को इधर छोड़ा जाए। अच्छा जी, ये 1 किलो गोश्त बनता है, इसकी मैरिनेशन पहले कर लेते हैं। इसके अंदर आपने तकरीबन कोई 3 से 4 टेबलस्पून जो है इसके अंदर ऑयल डालना है आपने। हम ऑयल वाली मैरिनेशन कर रहे हैं, इसके अंदर दही हम शामिल नहीं करेंगे। दही जो है वो फिर इसको पकाते हुए जलना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर आपने मस्टर्ड शामिल करना है, मस्टर्ड पेस्ट, जो कि इसको एक प्रॉपर टेंडरनेस देगी और फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगी, 1 टेबलस्पून। उसके बाद इधर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लहसुन की पेस्ट है, इसके अंदर हम अदरक नहीं शामिल करेंगे, लहसुन डालेंगे। उससे जो है इसकी स्मेल वगैरह जो भी ख़त्म होनी है, एक तो मस्टर्ड से हो जाएगी, दूसरे नंबर पे इस लहसुन से हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे इसकी स्पाइसीनेस के लिए। तो ये चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून भर के इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दें। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डालें, 1 टीस्पून से ज़्यादा ना करें, वो ज़्यादा हो जाएगा मटन के अंदर। पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून। ये जी कुटा हुआ धनिया, ये शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून। उसके बाद लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तो ये जी 1 लीमू का रस इसके अंदर डाल दें। मसाले इसके अंदर हमने सारे डाल दिए हैं, और इसको जो है अब कर देंगे मिक्स, ताकि ये सारे मसाले जो हैं इन चांपों के ऊपर अच्छी तरह लग जाएं। जिन चांपों की हमने मैरिनेशन की थी उनको फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, उनको हम टाइम देंगे। उसके अलावा ये जो चांपे हैं जिनको हमने बग़ैर मैरिनेशन के सिर्फ सॉल्ट के साथ पकाना है। अब बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि यार मटन की स्मेल कैसे जाएगी, किस तरह पकेगा, तो ये असल में मीट का अपना टेस्ट है। अगर आप मटन खाना चाह रहे हैं या लैम्ब खाना चाह रहे हैं या आप गोट खाना चाह रहे हैं, तो उसका फ़्लेवर तो आपको आएगा ही आएगा ना एटलीस्ट। तो ज़्यादा फ्लेवरफुल जिन लोगों को गोश्त के जो लोग शौकीन हैं उनके लिए ये ट्रीट समझ लें कि सिर्फ नमक लगाया हो गोश्त से और अच्छा पका हुआ गोश्त हो, तो उसका जो मज़ा है वो किसी चीज़ से मैच नहीं करता, आप जितने भी मसाले डाल लें। हालांकि ज़्यादा मसाले डालने से गोश्त अकड़ता है गलने की बजाय, फिर आपको उसके अंदर कुछ चीज़ें डालनी पड़ती हैं, जैसे मीट टेंडराइज़र हो गया, पपीता हो गया, और इस तरह की चीज़ें उसके अंदर कचरी डाल के उसको नरम करना पड़ता है। लेकिन जो नमक के साथ पकता है, हल्की आंच पे पकता है, उसका जो फ्लेवर है वो अलग होता है। आसान तरीका ये है कि जितना वज़न है उतने टीस्पून, मतलब अगर 1 किलो है तो 1 टीस्पून इसको लगा के एक दफ़ा मिक्स कर लें, बाद में ऊपर थोड़ा थोड़ा हम छिड़क देंगे तो नमक इसका पूरा हो जाएगा। तो ये 1 टीस्पून तकरीबन नमक है, इसको इनके ऊपर जो है अच्छी तरह छिड़क के मैं इनको एक दफ़ा मिक्स कर दूंगा। एक सीख होती है ये वाली, ये होती है कबाब के लिए इस्तेमाल। इसी तरह एक इससे ज़्यादा चौड़ी लेकिन चपटी सीख होती है जो तिक्के के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके लिए, इस तरह की चीज़ के लिए आपको सीख चाहिए जो कि गोल और बारीक हो, इस तरह मुँह नुकीला हो, ताकि इसके अंदर इसको हम जो है अच्छी तरह लगा सकें। ये देखें कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको, फिर इस गोश्त में से, फिर आखिर में इस हड्डी में से, ये हड्डी के दरमियान से मैंने निकाल दिया। इससे क्या होता है कि अच्छी तरह सिक्योर हो जाएगी, गिरेगी नहीं, दोनों साइडों से इवन पकेगी। टिक्के हमने सीखों पर लगा लिए हैं, इधर देखें अब क्या करना है कि इनके ऊपर हल्का हल्का नमक आपने लगाना है अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नमक है, तो अगर आप इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो सारा जो टेस्ट है वो यहीं से ख़राब भी होगा और सही भी होगा। क्योंकि मटन है, गलने में टाइम लगता है, कम हीट पे आप इसको पकाएंगे, और अंगीठी पे अगर आपने पकाना है तो अंगीठी का आपका कोयले जो है वो मध्यम होना चाहिए।
मैं इसको तंदूर में पका लूँगा, मेरे पास तंदूर है तो मुझे अंगीठी जलाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर बड़ी अच्छी और बेहतरीन पकेंगी स्लो कुकिंग के ऊपर। और इधर जो है मेरा तंदूर रेडी है, तो इसको जो है हम डाल देंगे इस तंदूर के अंदर, और ये तीनों की तीनों जो सीखें हैं हम इसको इस तरह रख देंगे। ऊपर से ढक देना इधर से, और थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि हवा ऊपर निकले। इधर मैंने ओपनिंग रखी है, उसके ऊपर हाथ करते हैं तो अच्छी खासी गर्म हवा इधर से निकल रही है, तो आग इसके अंदर बिल्कुल स्लो है, हवा के थ्रू ये पकेगा। जो भी चीज़ इसके अंदर रखी गई है वो हवा की सर्कुलेशन से, गर्म हवा की सर्कुलेशन से पकेगी। इसी तरह स्मोकर के अंदर होता है, जिसके अंदर बारबेक्यू किया जाता है, उसके अंदर भी गर्म हवा से चीज़ें पकती हैं। कन्वेक्शन जो ओवन होता है उसके अंदर भी यही सेम प्रोसीजर होता है, एयर फ्रायर उसके अंदर भी सेम प्रोसीजर होता है। तो आप इसको किसी भी चीज़ में पका सकते हैं, एयर फ्रायर में भी पकाया जा सकता है इनको। तकरीबन 3 से 4 4-5 मिनट हुए हैं अभी इसको पकाते हुए, और ये देखें कि ये जो आपको धुआं नज़र आ रहा है ये क्या है कि जो इसकी फैट है वो मेल्ट होके इसके अंदर गिर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह पक रहा है, ये देखें, इधर से देखें तो किस तरह ये फैट का जो है वो बेहतरीन इधर कलर आ रहा है इसके ऊपर। तो इसी तरह हम इसको पकने देंगे। ये गोश्त होता है बिल्कुल नरम, इसको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए इधर तो पकने के लिए, तो इसको जो है अच्छी तरह पकाते हैं। ये देखें किस तरह बेहतरीन मेल्ट हो रही है, ये देखें किस तरह बेहतरीन जो हैं वो आपकी चॉप्स पक रही हैं। मज़े की बात यह है कि इसके जलने का ख़दशा नहीं है, इसको हल्की आंच पे रखा हुआ है, वो एज ए स्मोकर एक्ट कर रहा है, और बेहतरीन नीचे से ऊपर तक सेम कलर आ रहा है इसका। तो इसको दोबारा से इसके अंदर रखते हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो ये देखें कि किस तरह बेहतरीन हमारी चॉप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, और ये बिल्कुल अलग हो रही है, ये देखें। तो इसको जो है थोड़ा सा मैं टेस्ट करता हूँ कि पक गई हैं कि नहीं पकी हुई। बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी जो है मुझे फ्लेवर मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। तंदूर मैंने बंद कर दिया है, और ये जो ये देखें इधर, इसको जो है ऊपर से उतार के चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। ये देखें किस तरह टूट रहा है गोश्त, ज़बरदस्त नरम हो चुका है, और इसको ही इधर से टेस्ट करते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, और बिल्कुल जूसी, ये देखें। माशाल्लाह जी, बहुत आला टेस्ट है इसका। अच्छा जी, नमकीन टिक्का या नमकीन चॉप्स जो हैं वो हमने बना ली हैं। अब जो है ये मैरिनेट करके जो हमने रखी थी वो हैं, अगर बारबेक्यू के हिसाब से देखें तो इनमें से बहुत बेहतर खुशबू आ रही है। इसके अंदर भी बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो फ्लेवर इसका भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। लेकिन इसको हमने जो पकाना है, हम ना तो इसको तंदूर ना अंगीठी पर पका रहे हैं, इसको हम पका रहे हैं इस ओवन के अंदर, OTG ओवन है। तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि इसको यूज़ करके दिखाएं, तो इसको आज हम यूज़ कर रहे हैं इसी रेसिपी में। आप इनको तवे पे भी पका सकते हैं, ये चॉप्स का गोश्त होता है बिल्कुल नरम। 3 से 4-5 मिनट एक साइड से पकाएं तवे के ऊपर, इसी तरह दूसरी साइड पे। लेकिन तवा मोटा हो या ग्रिल पैन हो आपका, तो दोनों साइडों से 4 से 5 मिनट आपको करेंगे, फिर थोड़ा सा खड़ा करके, ये देखें इस तरह थोड़ा खड़ा कर लें टोंग की मदद से, तो ये ज़बरदस्त कुक हो जाएंगी आपकी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी ओवन के अंदर आप पका रहे हो, कोई भी ओवन हो आपके पास तो उसके अंदर पकाया जा सकता है। तो हमने करना क्या है कि इसका ये रैक जो है वो बाहर निकाल लेना है, जिस तरह ग्रिलिंग होती है, इससे भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये जो जितनी चॉप्स हैं सारी मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, इवनली इसको आप रख दें ताकि हीट जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो इसके अंदर। और इस रैक को आपने क्या करना है कि उठा के इस आखिरी, इसका जो आखिरी पोर्शन है उसके अंदर आपने इसको डालना है। इसकी स्लॉट्स बनी होती हैं, तो आखिरी स्लॉट में डालें, और ये ट्रे लाजमी रखें नीचे। फ़ायदा ये है कि जो भी इसका पानी वगैरह होगा वो इस ट्रे में आएगा, और इसको फिर निकाल के साफ़ किया जा सकता है, डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेगा जहाँ से इसकी सफाई नहीं हो सकती। तो तकरीबन आपने 150 से 180 के दरमियान में सेट करना है, बहुत ज़्यादा हाई पे ना रखें। और इसके आपने ये वाला फंक्शन जो है इसको दोनों के ऊपर रखना है, ताकि इसका ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जो हीटर हैं वो चलें। बाकी ये इसका टाइमर है, तो टाइमर जो है हम तकरीबन
10 मिनट के लिए पहले लगाएंगे, उसके बाद आगे कंडीशन देखते हुए हम इसका टाइमर सेट कर लेंगे। तो टेम्परेचर मैंने सेट कर दिया, अब टाइमर ऑन करेंगे तकरीबन 10 मिनट पे। ये देखें 10 से 11 मिनट पे मैंने सेट कर दिया और इधर ये लाइट इसकी ऑन हो गई है, पावर ऑन हो गई है। तो जी इस ओवन को मैंने 180 के करीब सेट किया था टेम्परेचर, 10 मिनट लगाए थे, लेकिन उस 10 मिनट में और इस टेम्परेचर पे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया है, फ़िलहाल के लिए इसको फुल पे कर दिया है 250 पे, और इधर से दोबारा से मैंने 20 मिनट का इसका टाइमर लगा दिया। अब देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है। मुझे लग रहा है कि इसको फुल पे रख के हमें कुक करना पड़ेगा और फिर जो है इसके अंदर अच्छी हीट जनरेट होगी। आलमोस्ट हाई टेम्परेचर पे 25 मिनट और लो टेम्परेचर पे 5 मिनट, इस तरह से इसकी तरतीब है। और ये जो हमारी चॉप्स हैं वो अच्छी तरह इनकी फ़्लेवर प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट है। ये बिल्कुल बेसिक मीट का फ्लेवर आएगा आपको, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मसाले आएंगे, स्पाइसीनेस आएगी, जो इसके अंदर हमने फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ किए हैं वो आएंगे, लेकिन सॉफ्टनेस और जूसीनेस वहाँ भी है। इसको हमने मैरिनेशन के दौरान ही ऑयल लगाया था, बाकी इसकी जो अपनी चर्बी है गोश्त की वो निकल के बिल्कुल इसको जो है वो जूसी बना देती है ज़बरदस्त। तो ये रेसिपी थी चॉप्स की। अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाना चाहें तो ये तरीका है बारबेक्यू पे, अगर ओवन या तवे पे बनाना चाह रहे हैं तो ये तरीका है। तो इसको आप पकाएं, एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।